तो सबसे पहले तो भाई सब लोग प्रशांत और जितने सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको। प्रतिज्ञा 2 स्टार्ट हो गया, 1 में इतना प्यार दिया और लोगों ने इतना वेट किया और आप लोगों को आना पड़ा वापस शो पे, तो कितनी खुशी हो रही है इस बारे में जानना चाहूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है और लग ही नहीं रहा कि 8 साल के बाद दोबारा शो शुरू हुआ है और ये सब पब्लिक का प्यार है और कुछ नहीं है। एक्चुअली हम जो भी हैं वो ऑडियंस की वजह से हैं और ऑडियंस जब तक देखती रहेगी तब तक शो चलेगा, तो उन्हीं के डिमांड पर ये शो शुरू हुआ है और उन्हीं के प्यार से ये शो चलेगा। आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगी इस प्रतिज्ञा में, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछली प्रतिज्ञा में आपने हर एक अपना रूप दिखाया है, हर एक माँ का, एक सासू माँ का, बहुत कुछ था। इस बार क्या बदलाव दिखने वाला है आप में? बिल्कुल, एक एक्टर को बहुत सारा कलर अगर करने को मिलता है तो उसके लिए बहुत उसको अच्छा लगता है और प्रतिज्ञा वो शो है जिसमें मुझे बहुत कुछ करने को मिला। इस बार भी मैं यही उम्मीद करूंगी कि पिछली बार की तरह ही मुझे बहुत सारे रंग मिले करने को, तो अच्छे के लिए मैं उम्मीद करती हूँ। बाकी अभी फिलहाल क्या स्टोरी है, आगे कैसे ट्रैक जा रहा है अभी फिलहाल पता नहीं, क्योंकि अभी हमने बस थोड़ा सा शूट किया है, बट आई होप सो, क्योंकि जो किरदार जैसा होता है पब्लिक उसको वैसा देखना पसंद करती है, तो मैं चाहूँगी कि अम्मा का रंग जो जैसा था वैसा ही रहे। थैंक यू सो मच मैम। एक मिनट आप बस विजुअल ले लेते। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, प्रतिज्ञा 2 स्टार्ट हो रहा है और एक कोरोना काल के बाद एक नया काम में आप वापस आ रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री चालू हो रही है, तो कितनी खुशी मिल रही है, क्या कहना है? ऑफ कोर्स फीलिंग रियली ब्लेस्ड एंड वेरी हैप्पी के यू नो द इंडस्ट्री स्टार्ट वर्किंग अगेन एंड सबको काम मिल रहा है। इट्स अ गुड, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। इट्स अ वेरी गुड शो दैट आई हैव गॉट, प्रतिज्ञा 2 इज very strong script or I really expecting a lot of good stuff from this. Also, we would like to know that what kind of role you are playing, like positive or negative? I'm playing a negative character, not negative actually, he's you can say egoistic. No, it's actually by mistake they have killed his son. So now he's out for revenge, he's a Bahubali of from Haryana and obviously he's gonna take revenge, no? कोई ऐसा कर देगा तो सो इट्स नॉट पॉजिटिव, इट्स नॉट नेगेटिव, इट इज जस्ट रियल लाइफ कैरेक्टर। आज वेल आई वुड लाइक टू नो अबाउट दैट, अभी जोमेटो की जो स्टोरी चल रही है आज कि लड़की ने जो डिलीवरी बॉय है उसके ऊपर आरोप लगाए हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट में 21वीं सदी में लड़कियों का इस तरह से बिहेव करना, इतनी पावर्स, एजुकेशन सब कुछ होने की? आई रियली डोंट नो मच अबाउट बिकॉज़ देयर आर दिस बोथ टू साइड्स नाउ आई एम हियरिंग टुडे आल्सो सम स्टेटमेंट केम आउट दैट यू नो he's saying that he hit her and she hit. Whatever happens, a man should not raise his hands on a woman, no way. So even if that if he's raised his hand on the woman, then he should be punished. If he done it in self defense and she's got hurt, then it's they both are to be blamed. But even for the woman, she should not be raising his hands on that guy. I don't know, now they both are saying isne ye kiya usne wo kiya, so how do we know kya hua hai, but definitely a man in no way should be raising his hand on a woman, no way. The last question to you ki aap hi ke upar dikh raha hai ki sari holi aapne khel li hai, to covid ke baad ye holi pehli holi mere khayal se ab main keh sakti hu aapke liye, कैसा महसूस हो रहा है? इट्स अमेजिंग, थोड़ा टेंशन है ऑब्वियसली, कोविड का माहौल चल रहा है तो टेंशन तो है होली वोली में, लेकिन वी आर हियर टू डू अ जॉब एंड वी हैव टू डू समथिंग, सो वी आर हियर टू वर्क, सो हियर वी गो। थैंक यू सो मच।